सो हम पीएनसी में रेगुलर क्लास में क्या क्या देखे हैं? देखे हैं परम्यूटेशंस, अरेंजमेंट्स कैसे करना है, राइट? परम्यूटेशन में क्या क्या टॉपिक्स देखे हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट? सारा ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है तो उसका अरेंजमेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है. दूसरा और क्या देखे हैं हम? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हुआ तो कैसे करना है, राइट? इसके बाद और क्या देखे हैं? सर्कुलर परम्यूटेशंस, राइट? सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, लीनियर परम्यूटेशंस एंड सर्कुलर परम्यूटेशंस. ओके, सो दिस कंप्लीट्स टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस. परम्यूटेशंस कंप्लीट हो गया. इसके बाद कॉम्बिनेशन, सीन ओन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सही है क्या? नहीं, एक ही फॉर्मूला देखे हैं ना हम एनसीआर. वी हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो कॉम्बिनेशंस में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो ठीक है, कैसे करना है हम अभी भी देखे नहीं है. दिस इज रिमेनिंग एंड द टॉपिक ऑफ पीएनसी हैज फोर पार्ट्स. एक्स्ट्रा क्या आपको सीखना है देखिए. सो द थर्ड पार्ट इज डिविजन इनटू ग्रुप्स. क्या है डिविजन इनटू ग्रुप्स? आपके पास यू हैव एन नंबर ऑफ पीपल विथ यू, यू हैव एन नंबर ऑफ पीपल विथ यू. मान लीजिए सेवन पीपल है, यू हैव सेवन पीपल विथ यू. डिवाइड देम इनटू थ्री ग्रुप्स, यू हैव डिवाइड देम इनटू थ्री ग्रुप्स विथ समथिंग लाइक एंड फोर. एक ग्रुप में एक आदमी होना चाहिए, दूसरा ग्रुप में दो आदमी होना चाहिए, तीसरा ग्रुप में चार आदमी होना चाहिए. सो हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना. सो दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन ऑन डिविजन इनटू ग्रुप्स. ये क्वेश्चन समझ में आ रहे? फोर्थ टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, मान लीजिए आपके पास पांच बॉल है एंड आपके पास तीन बॉक्स है. इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट दीज फाइव बॉल्स इनटू दीज थ्री बॉक्सेस? अगर आप कोई अगर स्टैंडर्ड बुक देखा तो जैसे अरिहंत का जो बुक है, सो वी हैव स्टार्टेड दैट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविजन का क्वेश्चन भी आएगा, कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन आएगा. सो दीज आर द थिंग्स, एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो समझ में आया क्या क्या समझना है आपको? पहला सर बोलिए. सर उसका आंसर 5P3 होगा क्या? क्या है सर उसका आंसर? 5P3 होगा? नहीं, 5P3 नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस ये है कि परमिटेशन अरेंजमेंट्स में क्या है, तीन प्लेस है. मान लीजिए फाइव ऑब्जेक्ट्स है, हम यूजुअली फाइव में तीन ही रखते हैं ना. यस सर. अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये सारा बॉल्स को कहीं ना कहीं डालना है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें से तीन बॉल लेके अरेंज नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट अरेंजमेंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन. अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस है ना सर. इट मींस इन वन बॉक्स वी हैव टू फिल फाइव बॉल्स. क्या है सर? इट मींस इन वन बॉक्स वी हैव टू फिल फाइव बॉल्स. हाँ, रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन.
ऐसा कितना अलग अलग ऑप्शन है, दैट्स द क्वेश्चन। चाहिए तो ये पांचों बॉल्स एक ही बॉक्स में डाल सकते हैं, तीन इसमें दो इसमें डाल सकते हैं, एक एक तीन ऐसे भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से, बट ऑल द फाइव बॉल्स हैव टू गो इनटू सम ऑफ दीज बॉक्सेस एंड दिस इज अ क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम अरेंजमेंट। समझ में आ रही है? परमिटेशन का क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन अलग है। यस सर। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट हम इसमें जाए, ओके? सो ये नोट किया, आगे जा सकते हैं। सो वेट सर। हाँ नोट कर लीजिए। नोट कर लिया तो बोलिए। नोटेड सर। हो गया सर। ओके गुड। सो नाउ लेट अस डिस्कस कॉम्बिनेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सेलेक्शंस of R objects is, कोई आंसर बोल सकते हैं? पांच बॉल है, ठीक है, all are identical balls, okay? So in how many ways can you select three? Three balls कितना होता है? कोई बोल सकते हैं बाय कॉमन सेंस कितना अलग अलग तरीके से आप तीन बॉल्स फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल हां सर 5 p3 बाय 5 फैक्टोरियल 5 c3 बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सर नहीं नहीं आप फार्मूलास खुद से क्रिएट नहीं करना है जो फार्मूलास है वो ही यूज करना है अगर नया फार्मूला क्रिएट करना है तो लॉजिकली क्रिएट करना है देखिए बाई थ्री फैक्टोरियल जो है वो कब यूज करेंगे उसका सिचुएशन अलग है वो बाई थ्री फैक्टोरियल हम परमुटेशन में यूज करते हैं ना पहला बात कॉम्बिनेशन से हम यूज नहीं करते हैं राइट सो आप मिक्स नहीं करना है फॉर्मूलास से एनीबॉडी How many ways, how many different ways can you select three balls out of five identical balls? एक ही तो way होगा सारे identical. हाँ? Sir one way. हाँ, one हो. देखिए क्योंकि सारा objects identical है कोई भी तीन select करिए same ही दिखेगा ना आपको ये वाला तीन select करिए ये वाला तीन select करिए ये वाला तीन select करिए कोई भी three select करिए All the selections look same, सही कि नहीं? Is it clear or not? Yes, sir. So if you have n identical objects, number of selection of r objects is in how many ways can you select two balls? इसका आंसर क्या होगा? One. इसका भी आंसर one ही होगा. ऐसे इमेजिन करिए आपके पास पांच चॉकलेट है सेम टाइप ऑफ चॉकलेट्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू सेलेक्ट टू चॉकलेट्स क्योंकि चॉकलेट्स आइडेंटिकल है कोई भी दो सेलेक्ट करिए सेम है ना आप डिस्टिंग्विश कर पाइएगा यस और नो यस और नो यस सर सबको समझ में आ रही है यस यस सर यस सर यस सर देखिए फॉर एग्जांपल दीज आर टू पेंस दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं यस सर ये दोनों आइडेंटिकल है ना इसको मैं बगल में रख रहा हूं ठीक है सो आई एम सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ दिस
देखिए ये वाला सेलेक्ट किया मैंने, ओके नेक्स्ट अगेन आई एम सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ दिस, ये वाला सेलेक्ट किया पिछले बार जो सेलेक्ट किया और ये वाला अलग है क्या, सेम है? आप डिस्टिंग्विश कर पाएगा? नो सर। फिर एक सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला जो अभी मैं रखा हूँ वही सेलेक्ट किया या ये अलग है, आप पता नहीं चलेगा ना? नहीं सर। सो हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स? आपका आंसर वन है, इज इट क्लियर? वन। समझ में आ रहा है क्या? नहीं so, अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे जा सकते हैं। सो लॉजिक है इसका। नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस, टोटल सेलेक्शंस। टोटल सेलेक्शंस ओके। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। टोटल सेलेक्शंस का मतलब है एक सेलेक्ट कर सकता हूं, दो सेलेक्ट कर सकता हूं, तीन सेलेक्ट कर सकता हूं, चार सेलेक्ट कर सकता हूं, पांच सेलेक्ट कर सकता हूं, सारा सेलेक्ट कर सकता हूं। So in how many ways can I select one more object? इसका आंसर क्या होगा? NC1 plus NC2 plus NC3 plus NCN. इसका मतलब इधर one select कर सकता हूँ, or two select कर सकता हूँ, or three, or four, so on up to Rn. Is it clear? Yes, sir. एंड इसी को, इसी नंबर को मैं दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकता हूँ। आई हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मेरा काम क्या है? आई हैव टू सेलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो इसको मैं बाई स्टेजेस कर सकता हूँ, जैसा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में स्टेजेस होता है ना, वैसा स्टेजेस करता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेज ये वाला बॉल लेता हूँ, इस बॉल को मैं ले सकता हूं या छोड़ सकता हूं, राइट? यस सर। नेक्स्ट आई विल गो टू माय सेकंड बॉल, इसको भी ले सकता हूं या छोड़ सकता हूं? यस सर। ले सकता हूं, छोड़ सकता हूं, ले सकता हूं, छोड़ सकता हूं। सो एवरी बॉल हैज हाउ मेनी ऑप्शंस, एवरी स्टेज हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? टू ऑप्शंस। सो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, ये सारा स्टेजेस करने के लिए मेरे पास 2n ऑप्शंस है, राइट? इसमें से एक माइनस करना है। ये माइनस वन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए सारा छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, एक भी बॉल में सेलेक्ट नहीं किया। है ना, हर बॉल के लिए फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट बॉल के लिए यस और नो, राइट? इसके बाद सेकंड बॉल के लिए यस और नो, सेकंड बॉल के लिए भी यस और नो, राइट? ट्री डायग्राम अगर लिया तो थर्ड बॉल के लिए फिर यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, हर स्टेज में डबल हो रहा है ना चीजें। यस सर। बट ये वाला क्या है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बॉल भी नहीं लिया, सेकंड बॉल भी नहीं लिया, थर्ड बॉल भी नहीं लिया, इसका मतलब आई हैव नॉट सेलेक्टेड एनी बॉल, राइट? सो क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। ये वाला ऑप्शन का मतलब क्या है, तीनों लिया मैंने। ये वाला ऑप्शन का मतलब क्या है, पहला दो लिया, लास्ट वाला लिया नहीं। यस नो यस का मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं लिया, थर्ड ऑब्जेक्ट लिया। समझ रहे ट्री डायग्राम का मतलब? यस सर। सो दिस कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज 2n-1, ओके?
समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. सो टोटल सिलेक्शंस का फॉर्मूला क्या है? अगर एन डिफरेंट थिंग्स है तो NC1 plus NC2 plus NC3 up to NCN भी बोल सकते हैं. इसी को आप 2 power n-1 भी लिख सकते हैं. क्लियर? एक्चुअली दीज टू विल बी सेम. हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं ना, अगला क्लास में इसका डेरिवेशन भी होगा बाइनोमियल थ्योरम में. ओके. सेकंड, यू हैव एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. वी हैव एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. नंबर ऑफ सेलेक्शंस of one or more objects. इसका आंसर कोई बोल सकते हैं? सर आंसर वन होगा. सर आंसर वन होगा. वन होगा सर. वन वन होगा सर. कितना? वन वन. यस सर. वन नहीं है आंसर इस बार. एनीबॉडी सोच के बोलिए. सर एन. N is the right answer. N होगा. N N होगा क्योंकि number of selections of one or more का मतलब one select कर सकता हूँ. एक select करने का एक तरीका है और दो select करने का एक तरीका है और तीन select कर सकता हूँ और चार select कर सकता हूँ. So on N में N select कर सकता हूँ. सबके लिए एक chance है ना. So total कितना होगा? N होगा. Is it clear? Yes sir. I can select one object or I can select two objects. Or I can select three objects or four objects, so on up to n objects. Is it clear? Yes, sir. So यहाँ तक समझ में आया? सारा n different है तो हो गया. All n objects identical है तो भी हो गया. अब तीसरा केस है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस है. कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है. समझ रहे? थर्ड पॉइंट क्या है यहां? आपको थर्ड पॉइंट में दिक्कत आने वाला है. ये नोट किया यहां तक? यस सर. यहां तक नोट कर लीजिए. नोटेड. नोटेड सर. नोटेड. नेक्स्ट सर, दो क्वेश्चंस में डाउट है सर. हाँ, दो क्वेश्चंस में मुझे डाउट है. एनसीईआरटी प्रॉब्लम है. ओके, डाउट्स है तो बाद में पूछिए. ठीक है, अभी ठीक है सर. ये करके इसके बाद नेक्स्ट. ई आइडेंटिकल थिंग्स of type 1, q identical things of type 2, r identical things of type 3, so on. मतलब ऐसा, ठीक है. and M different things. ठीक है, ये आपके पास है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 ब्लैक बॉल्स, ये आपस में आइडेंटिकल है. समझ रहे? 3 रेड बॉल्स, ये आपस में आइडेंटिकल है. बट ब्लैक बॉल्स रेड बॉल्स अलग है. प्लस 7 ग्रीन बॉल्स. ओके, ग्रीन के अंदर सारा आइडेंटिकल है. डिफरेंस समझ में आ रहे प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन? इसके बाद मान लीजिए एक वाइट बॉल है, एक ग्रे बॉल है, एक समथिंग लाइक ब्लू बॉल है और एक वायलेट बॉल है. समझ आ रहे? यू हैव दीज मेनी थिंग्स.
इसका मतलब इफेक्टिवली पी आइडेंटिकल थिंग्स, इसका मतलब फॉल्स जैसा, समझ रहे? क्यू आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ टाइप टू, कुछ और टाइप का क्यू आइडेंटिकल बॉल्स है, आर आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ टाइप थ्री, एंड बाकी ये चार जो है, एक दो तीन चार ऑब्जेक्ट्स, ऑल दिस फोर ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, डिफरेंट। ओके क्या नहीं? यस सर। नाउ द क्वेश्चन ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग one or more of these objects is, इसका आंसर चाहिए मुझे। इसका मतलब आपके पास ये है of ways one or more, कैसे करिएगा, how will you do this question? ये इतना इजी नहीं है एज यू कैन सी, क्योंकि मैं टोटल सिलेक्शंस पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब एक बॉल सेलेक्ट कर सकता है, दो बॉल सेलेक्ट कर सकता है, तीन चार पांच छह सात, कितना भी बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। सो हाउ कैन वी, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? सोचे इसके ऊपर। सर 2 टू द पावर 5 माइनस 1 इनटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इनटू 2 टू द पावर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या है बेटा, सही से सुनाई नहीं दे रहे। 2 टू द पावर 5 माइनस 1 इनटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इनटू 2 टू द पावर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। गुड गुड गुड, कुछ सोच रहे? बट ये पांच आइडेंटिकल है ना बेटा, ओके बेटा। ये कौन है, दीपान्विता है ना जो बोले है? अच्छा आइडिया है। देखिए व्हाट दीपान्विता इज सेइंग इज, इफ यू वांट टू सेलेक्ट वन और मोर बॉल्स, मैं उसको स्टेजेस में करता हूँ, ठीक है। पहला ब्लैक बॉल्स के साथ जाता हूँ, आई विल गो टू ब्लैक बॉल्स। सो मैं एक ब्लैक बॉल ले सकता हूँ, दो ब्लैक बॉल्स ले सकता हूँ, मेरे हिसाब से जितना भी ब्लैक बॉल्स ले सकता हूँ ना। So number of different ways of selecting black balls is 2 power 5 minus 1 बोल रहे हैं, which is the formula which you have derived here, है ना? ये 2 power n minus 1 का formula आप use कर रहे हैं, right? पर सर, सर ये तो different objects के लिए है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है, वो different objects के लिए ना बेटा, शायद वही logic आप identical objects के लिए use कर सकते हैं ना। Yes, sir. तो फाइव हो जाएगा। हाँ फाइव हो जाएगा, बहुत अच्छा है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू टेक एनी नंबर ऑफ रेड बॉल्स? थ्री। थ्री। इन हाउ मेनी वेज कैन यू टेक एनी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स? सेवन। इन हाउ मेनी वेज कैन यू टेक एनी नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स? वन। 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 सो ये सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा ना शायद? Yes, sir. अच्छा लॉजिक है, बट थोड़ा सा आपको थोड़ा मिस्टेक किए हैं। देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर बॉल्स का मतलब ये नहीं है कि हर तरीके का एक एक बॉल लेना है, सही कि नहीं? सिर्फ एक ग्रे बॉल लेके भी छोड़ सकता हूँ ना मैं, राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ। सो इफ आई मेक ए ग्रिड हियर, मैं एक ग्रिड बनाता हूँ, देखिए आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ दिस ग्रिड, दिस इज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आई सेलेक्टेड, ठीक है, रेड बॉल्स, ग्रीन बॉल्स, व्हाइट बॉल्स, ग्रे बॉल्स, ब्लू बॉल्स, वायलेट बॉल्स, ठीक है।
लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन 7 स्टेजेस. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 7 स्टेजेस है. फर्स्ट में क्या करता हूँ, आई विल गो टू ब्लैक बॉल्स. सेकंड, सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, राइट. सो कितना अलग अलग तरीके से मैं ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ. एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ, दो ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ, तीन, चार, इसके साथ साथ जीरो ब्लैक बॉल्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ ना. या एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना ही है मुझे, ऐसा कुछ रूल है? नो सर. सो आई कैन सेलेक्ट जीरो ब्लैक बॉल्स, 1, 2, 3, 4, 5. सो टोटल कितना तरीके से मैं ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ? Six. Okay. Similarly, in how many ways can I select red balls? Four ways. In how many ways can I select green balls? Eight ways, right? In how many ways can I select white balls? Two ways. ले सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ ना? ले सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ले सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ले सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ. So in how many ways can I select some number of black balls and some number of red balls and some number of green balls and some number of white balls and gray balls and blue balls and violet balls? So 6 into 4 into 8 into 2 power 4 hoga? Yes sir. Isme se minus 1 karna hai aapko. Minus 1 kyun samajh mein aa raha hai? Sab zero nahi lena hai. सारा जीरोस नहीं लेना है, जीरो नहीं बोलना है. ठीक है, कैन नॉट टेक ऑल जीरोस, है ना. सारा जीरोस लिया तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक भी बॉल नहीं मिला. क्लियर? वो एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारा ऑप्शंस में मुझे एटलीस्ट एक बॉल मिल रहा है. ठीक है, ये चाहिए तो ये 6 और 0 ले सकता हूं, इसका 1 लिया तो भी चलेगा. मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए कि 7 out of 7 आपको 0 नहीं हो सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके क्या नहीं? यस सर. नॉट हैव यस सर 7 out of 7 जीरोस. सो नंबर समझ में आ रहे कैसे आंसर आया? यस सर. यस सर. इसका आंसर अभी समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? फॉर्मूला बोलिए. P plus 1 इंटू Q plus 1 इंटू R plus 1 इंटू 2 to the power M minus 1. So this is one of the very important formulas. इसमें ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा जरूरत नहीं कि तीन ही होना चाहिए. जितना भी आप एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जस्ट फॉर्मूला को एक्सटेंड करना है. इज इट क्लियर? समझ आ रहे क्या? नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. सो दैट कंप्लीट्स वन ऑफ द टॉपिक व्हिच इज कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. ओके क्या नहीं? यस सर. ओके सर. टॉपिक क्लियर है? यस सर. ओके सर. हाँ बोलिए सर. बोल रहे हो पी प्लस वन क्यों किया सर? पी प्लस वन क्यू प्लस वन क्या है? पी प्लस वन पी इंटू क्यू इंटू आर नहीं हो जाएंगे.
सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलिए बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? डिवीजन इनटू ग्रुप्स. सो डिवीजन इनटू ग्रुप्स. ओके, सो बेसिक क्वेश्चन क्या है इसमें? For example, you have seven people with you. Okay, you have seven people. So divide them into two groups with three people and four people. Okay. So क्या करना है? ये सेवन पर्सन्स को यू हैव टू डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप्स, वन ग्रुप हैविंग थ्री पर्सन्स, द अदर ग्रुप हैविंग फोर पर्सन्स. ओके, सो अगर आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? इफ यू आर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मुझे दिया तो पहला मैं क्या करता हूँ, ये सात में से कोई भी तीन लोग को सेलेक्ट कर लेता हूँ. आई विल कॉल थ्री आउट ऑफ दिस सेवन, राइट? पहला ग्रुप तीन पीपल चाहिए ना मुझे, सो मुझे क्या करना है, सेवन में से तीन लोग को बुलाना है, राइट और रॉन्ग? यस सर. सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई गेट थ्री पीपल आउट ऑफ दिस सेवन पीपल? ये परमिटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? Combination question है ना. So in how many ways can I do this? Seven, C. Okay. So ये सात में से तीन लोग को मैं बुला दिया. Obviously बुलाने के बाद उसको first group में, इसको ये group में रहने के लिए बोला था मैंने, right? I'll ask them to be in one group. Next what should I do? And then what should I do? 4C4. Hmm? 4C4. सो तीन लोग तो वापस आ गया. सो कितने लोग बचा है ग्रुप में? चार लोग बचे हैं, राइट? फोर, यस सर. सो वो चार में से चार लोगों को बुलाना है 4C4, राइट? सो बुला के मुझे क्या करना है, उसको बोलना है कि आप एक ग्रुप बनिए. सो हो गया, दो ग्रुप्स बन गया. सही है क्या नहीं? यस सर. सो इतना ही है और कुछ नहीं इसमें. मान लीजिए आपके पास छह लोग हैं, इसको तीन ग्रुप बनाना है, वन प्लस टू. ओके, सो मैं क्या करूंगा बोलिए? फर्स्ट ये छह में से एक को बुलाऊंगा, कितना तरीके से? 61. एंड नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? 6 into 5C2. पांच में से दो लोग को बुलाऊंगा, 5C2. इसके बाद मैं क्या करूंगा? 3C3. रिमेनिंग 3C3 बुला लेता हूँ, राइट? हो गया? यस सर. अब ध्यान दे दीजिए, इसी को आप एक्सपेंड किया तो यही फॉर्मूला का 3 का मतलब 7 फैक्टोरियल पाई, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट? 4C4 तो 1 है ना, 4C4 तो 1 है. यस सर. ठीक है, इनटू 1 लिखने का जरूरत नहीं ना. सो यहां देखिए 61 का मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, 5C2 का मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3C3 तो 1 है ना. ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. So what is left out? 6 factorial by 1 factorial into 2 factorial into 3 factorial. ये दोनों आंसर्स देख के कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है आपको? 7 पीपल को 3 एंड 4 में डिवाइड करना है तो 7 factorial by 3 factorial into 4 factorial आया. 6 persons को 1 plus 2 plus 3 करना है
क्या हुआ 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल हुआ. कैन यू सी सम सॉर्ट ऑफ फार्मूला हियर? यस सर. यस सर. सो m प्लस n पीपल आर ऑब्जेक्ट्स डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स विथ m ऑब्जेक्ट्स objects respectively. Number of ways hoga m plus n factorial, total number factorial by m factorial into n factorial. Okay, again. Yes, sir. Yes, sir. Okay or not? Okay, sir. This is a general formula. अगर मान लीजिए m plus n plus p things है आपके पास, इसको m things, n things and p things में डिवाइड करना है. सो आंसर क्या होगा? m plus n plus p factorial total number factorial by m factorial into n factorial into p factorial. Clear है? Yes, sir. मतलब जितना भी नंबर ऑफ ग्रुप्स है जस्ट टोटल नंबर फैक्टोरियल बाय इंडिविजुअल नंबर्स का फैक्टोरियल्स लिखना पड़ेगा आपको. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. देयर आर सम सिचुएशंस वेयर दिस फॉर्मूला वोंट वर्क. सो ये फॉर्मूलाज जो है यहाँ लिख लीजिए ऊपर. डिविजन इनटू ग्रुप्स, ये फॉर्मूलाज कब काम करते हैं देखिए. डिविजन इनटू ग्रुप्स व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या है? These formulas work when different groups have different number of objects. For example, A group में एक object है, दो objects है, तीन objects है. सारा अलग-अलग numbers है ना? Seven को मैं 4 and 3 में divide कर रहा हूँ. अलग-अलग number of objects है. Okay or not? Yes, sir. So exception क्या होगा? Guess कर पा रहे हैं? Sometimes अगर मान लीजिए 4 objects है आपके पास, उसको 2+2 में divide करना है. Okay? So ये note किया यहाँ तक? यहाँ note किया तो हम आगे जाएंगे. Noted, sir. Noted, sir. Noted सब लोग? Yes, sir. Noted. Sir. डिविजन इनटू ग्रुप व्हेन सम ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मान लीजिए आपके पास 4 स्टूडेंट्स है ए बी सी डी. You have to divide them into 2 groups having 2 students each. Aisa question ho sakta hai? You have to divide them into 2 groups having 2 students each. Formula ke hisab se
फोर फैक्टोरियल पे टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल होना चाहिए ना, प्रीवियस फॉर्मूला के हिसाब से फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? यस सर। इसका मतलब कितना होना चाहिए? फोर फैक्टोरियल इज 24 बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 6 होना चाहिए ना। ओके, सो लेट राइट द सिक्स वेज। ये फॉर्मूला कौन से लॉजिक से आया है? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस फॉर्मूला? चार में से दो को बुलाया, बाकी दोनों में से दो लोग को बुलाया, दिस इज द लॉजिक, राइट? यस सर। सो फर्स्ट ये 4C2 ही 6 है जो आपका आंसर है। सो ABCD में दो लोग को कितना तरीके से बुला सकते हैं? ए बी, इसके बाद ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, दीज आर दी सिक्स वेज ऑफ कॉलिंग टू आउट ऑफ फोर पीपल। अगर ए बी को अगर पहला बुलाए तो सेकेंड ग्रुप के लिए कौन बचेगा? सी डी, राइट? अगर ए सी को फर्स्ट ग्रुप में बुलाए तो और कौन बचेगा दूसरा ग्रुप के लिए? बी डी। अगर ए डी को बुलाए तो? बी सी। अगर बी सी को बुलाए तो? ए डी। अगर बी डी को बुलाए तो? ए सी। सी डी को बुलाए तो? ए बी। समझ में? यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, कोई ऑब्जर्व कर पा रहे? सर डबल डबल हो जा रहा है। ए बी एक ग्रुप में है, सी डी एक ग्रुप में है, इसमें भी क्या है? इसमें भी ए बी एक ग्रुप में है, सी डी एक ग्रुप में है। सो ये दोनों को अलग मानना पड़ेगा या सेम मानना पड़ेगा? सेम। सेम मानना है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस शुड बी सेम एज दिस, राइट? ये दोनों को अलग नहीं मान सकते, राइट? एंड ये दोनों को अलग नहीं मान सकते ना। सो एफेक्टिवली कितना है आपके पास? टू से डिवाइडेड कर देंगे तो मिल जाएगा। हाँ, सो देयर आर टू ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? टू में डिवाइड करना है, टू ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो फॉर्मूला बोलता है कि आप एक टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, समझ रहे? इज इट क्लियर? सो आपको थ्री आएगा। सो इतना समझ में आ रहा है? कुछ एडजस्टमेंट तो करना है। इफ यू हैव ग्रुप्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? फॉर्मूला देखिए, 2m ऑब्जेक्ट्स, 2m ऑब्जेक्ट्स, टू ग्रुप्स, m ऑब्जेक्ट्स ईच, आपका नंबर ऑफ वेज होगा 2m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल। ये जनरल फॉर्मूला है, उसके एक्स्ट्रा एक 2 फैक्टोरियल आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. 3m objects, 3 groups, m objects each. इसका आंसर क्या होगा? 3m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल तो रहेगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा इस बार? 3 फैक्टोरियल। समझ रहे? अब ध्यान दे दीजिए, ग्रुप में कितना ऑब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है। आपका मतलब है कितना ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। टेन ऑब्जेक्ट्स, टू ग्रुप्स, 5 ऑब्जेक्ट्स ईच, टू ग्रुप्स, 5 ऑब्जेक्ट्स ईच। सो आंसर होगा आपका 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल,
एक्स्ट्रा क्या करना है? बाय टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना। देखिए ग्रुप में कितना ऑब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है। व्हाट शुड यू फाइंड? यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके क्या नहीं? There are two groups okay, having sir. same number of objects. So, जितना groups है same number of objects का, उसका factorial से divide करना है। यहाँ तक clear है? 12 objects. 4 plus 4 plus 2 plus 2. कितना तरीका होगा? 12 factorial by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial into 2 factorial. अब extra क्या करना है? 2 factorial into 2 factorial. So there are two groups having 4 objects each. उसके लिए 2 factorial. And there are two groups having 2 objects each. एक और 2 factorial से divide करना है. Is it clear or not? Yes, sir. So this is about your second topic, which is what? Division into groups. Question देके आप पहला काम होगा PNC में, you have to decide which topic the question is on. PNC में कितना topics है बोलिए? कितना topics है? Four topics. Permutations, combinations, division into groups and distribution. So आपका कोई भी PNC का question करते हैं, आपका पहला काम है you have to see where the question belongs. कौन सा category में question belong करते हैं. इसके बाद उसका corresponding formulas use करना है. Okay. Selections में permutations formulas use नहीं करना है. Permutations में division का formula use नहीं करना है. Divisions में PNC का formula use नहीं कर सकते. Sir. बोलिए. Sir थोड़ा zoom कीजिए sir. दिख रहे? Yes sir. सर हाँ सर ये नेसेसरी है कि अगर 10 ऑब्जेक्ट्स है तो 2 ग्रुप्स बनाना, 3 ग्रुप्स भी तो हो सकता है, 3 ग्रुप्स या उससे ज्यादा ग्रुप्स? हाँ हो सकते हैं, क्वेश्चन में मिलेगा बेटा, वो क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कैसे करना है. ओके सर. ठीक है, अगर मान लीजिए 4 + 4 + 4 करना है, क्वेश्चन में दिया है कि 3 ग्रुप्स करना है, तब आंसर क्या होगा? 12 factorial by 4 factorial 3 बार आएगा, 4 factorial होल क्यूब. यस सर. एक्स्ट्रा कितना आएगा? और एक्स्ट्रा क्या आएगा? 3 factorial. एक 3 factorial एक्स्ट्रा आएगा. क्यों दे रहा है? 3 ग्रुप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इज इट क्लियर? यस सर. सो वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको कैसे डिवाइड करना है, हमारे हाथ में नहीं होगा वो. ये नोट किया तो हम आगे जाएंगे. नोटेड सर. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लास्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन. सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमिटेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. मान लीजिए आपके पास 5 बॉल है एंड यू हैव 3 बॉक्सेस. नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो सकता है क्वेश्चन में. यू माइट बी हैविंग 10 बॉल्स हो सकता है, 6 बॉल्स हो सकते हैं, 7 बॉल्स हो सकते हैं, 3 बॉल्स हो सकते हैं, n बॉल्स. ठीक है, यू माइट हैव एनी नंबर ऑफ बॉल्स और ऑब्जेक्ट्स.
ठीक है, एंड यू माइट हैव एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस, मान लीजिए आर बॉक्सेस हो सकते हैं ना, एन बॉल्स आर बॉक्सेस. आपका काम क्या है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज बॉल्स इन टू दीज बॉक्सेस. समझ में? अब आप अरेंज नहीं कर रहे. अरेंजमेंट में क्या है, पांच ऑब्जेक्ट्स में तीन ऑब्जेक्ट्स लेके अरेंज करते हैं आप. बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट्स. अब आपको क्या करना है, ये पांच बॉल्स को कोई ना कोई बॉक्स में डालना पड़ेगा आपको. इज इट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन और परमिटेशंस में डिफरेंस समझ में आ रहे? परम्यूटेशन ऑफ फाइव ऑब्जेक्ट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, 5p3, वो काम नहीं करेगा यहाँ बिकॉज सिचुएशन हैज चेंज्ड. ओके और नॉट? यस सर. यस सर. यस सर. सो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक कैसे काम करते थे क्या सर? हाँ सर, इसका मतलब कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना कि कोई भी बॉल खाली नहीं बचे, कोई भी बॉक्स. ठीक है, वही वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको. सो देयर आर अ टोटल ऑफ 8 केसेस इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. कितना केस होगा? 8 केस होगा. ठीक है, वो क्या है देखिए, दीज 8 केसेस इनटू 2 सब कैटेगरीज, एम्प्टी जो अभी आप पूछ रहे शायंतन वही है, एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड. दूसरा केस है एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड. ये वैलिड क्वेश्चन है ना जो पूछा था सर, एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है क्या नहीं, वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको. अगर क्वेश्चन में मिला तो, अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड मिला तो एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं. एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं का मतलब है पांच में पांच एक बॉक्स में नहीं जा सकते, तीन दो भी नहीं जा सकते. एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड का मतलब एटलीस्ट एक बॉल सब में होना चाहिए. 2-1 हो सकता सर. सर क्या है? 2-1 हो सकता है. 2-2-1 एक बॉक्स में दो बॉल और एक बॉल में दो बॉल. टू इसमें टू इसमें वन डाल सकते हैं. 2-2-1 इसमें टू इसमें टू इसमें वन डाल सकते हैं. 3-1-1 भी डाल सकते हैं, आपका चॉइस है इसके बाद. सो वन केस इज एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड, द अदर केस इज एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड. एंड एक एक केस में चार चार सब केसेस होगा. वो क्या है देखिए, बॉल्स बॉक्सेस. बॉल्स बॉक्सेस. बॉल्स आर डिफरेंट, बॉक्सेस आर डिफरेंट. Balls are different, boxes are identical. Balls are identical, boxes are different. Balls are identical, boxes are identical. Char case. DD, DI, ID, II. Samajh mein aa raha hai cases kya kya hoga? हो सकता है ना सारा बॉल्स डिफरेंट है, सारा बॉक्सेस भी डिफरेंट है, तब नंबर ऑफ केसेस अलग होगा. कभी कभी बॉक्सेस सेम होके बॉल्स डिफरेंट हो सकते हैं. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 4 केसेस? यस और नो? यस सर. यस सर. Yes, sir.
सो अब हम क्या करना है, एक एक केस को इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा. ओके सो फर्स्ट हम करेंगे ये वाला केस, सेकंड केस पहला करेंगे. ठीक है. सेकंड केस पहला करेंगे. ओके सो लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज. नोट किया ये? यस सर. नोट किया? यस सर. सो फर्स्ट एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड. DD, DI, ID, II. Okay, these are the four cases. सबसे पहला हम ये वाला केस देखेंगे. Assume that you have five balls and three boxes. Balls are different, boxes are different. Balls भी अलग अलग है आपस में, boxes भी अलग अलग है आपस में. So in how many ways can you distribute these five balls in these three boxes? So ये question जो है ये basic PNC का question है, multiplication principle का question है. लॉजिक क्या है, मैं पहला बॉल लेता हूं, पहला बॉल को कितना अलग अलग तरीके से डाल सकता हूं. द फर्स्ट बॉल कैन गो इनटू दिस बॉक्स और दिस बॉक्स. सो फर्स्ट बॉल डालने के लिए कितना तरीका है मेरे पास? थ्री वेज. तीन तरीका है, कोई ना कोई बॉक्स में मैं डाल दिया. ओके इसके बाद आई विल गो टू द सेकेंड बॉल. सेकेंड बॉल को कितना तरीके से डाल सकता हूं? थ्री वेज. मान लीजिए कहीं ना कहीं इसी में डाल दिया, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड बॉल हैज हाउ मेनी वेज? थ्री वेज, राइट? थ्री वेज. मान लीजिए यहाँ डाल दिया. फोर्थ बॉल हैज हाउ मेनी वेज? थ्री वेज. मान लीजिए इसको भी इसमें डाल दिया. फिफ्थ बॉल हैज हाउ मेनी वेज? थ्री वेज. मान लीजिए इसमें डाल दिया. कभी कभी एक बॉक्स एम्प्टी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड है ना. सो सिंपली आंसर इज 3 power 5. इज इट क्लियर? यस सर. सो द आंसर इज आर टू द पावर एन. नंबर ऑफ बॉक्सेस टू द पावर नंबर ऑफ बॉल्स. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये केस है आपका, ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में किया है, लेटर्स को पोस्ट बॉक्स इसमें डालना है. वो तो डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है ना एक तरीके से देखा तो. पांच लेटर को तीन पोस्ट बॉक्स में डालना है, कितना तरीके से डाल सकता हूँ? दैट इज इफेक्टिवली अ क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट बॉल्स, एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड. ये सबसे इजी वाला केस है. 3 power 5 और r power n will be the answer. Is it clear? Yes, sir. Next easier case is the third case. ये केस बहुत फेमस है. इसको हम बेगर्स प्रॉब्लम बोलते हैं, याद रखने के लिए. क्या प्रॉब्लम है? आजकल थोड़ा सा बढ़ गया ना बेगर्स प्रॉब्लम आसनसोल में. कोई बाहर घूम रहे हैं? बेगर्स प्रॉब्लम
ठीक है, दिस इज अ क्लासिक प्रॉब्लम इन पीएनसी। बेगर्स प्रॉब्लम क्या है, आप मंदिर गया, मंदिर से बाहर आया, मंदिर से बाहर कौन मिलेगा आपको? जब मंदिर से बाहर आते हैं आपको कौन मिलेगा? बेगर्स। बेगर्स मिलेगा। यूजुअली जब मंदिर से बाहर आते हैं यू विल बी इन ए मूड टू डोनेट, राइट? बहुत लोग डोनेट करने का मूड में रहते हैं। मान लीजिए योर फादर हैज आस्क्ड यू टू मेक सम डोनेशन, यूजुअली ऐसा करते हैं ना, ठीक है? पेरेंट्स को लगता है कि हमारा हाथ से दिया तो हमको ज्यादा पुण्य मिलेगा, राइट? पेरेंट्स लाइक टू, ठीक है, डोनेट थ्रू चिल्ड्रन। सो मान लीजिए आपको 10 कॉइन दिया, आपको कितना कॉइन दिया? 10 कॉइन है आपके पास, ठीक है, ऑल आर 1 रुपी कॉइन्स। इसका मतलब है सारा कॉइन्स आइडेंटिकल है, ये समझ में आ रहे? आपके पास 10 कॉइन है 1 रुपी कॉइन्स, ऑब्वियसली ऑल 1 रुपी कॉइन्स आर व्हाट? आइडेंटिकल। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग दीज 4 बेगर्स। डैडी बोले है 10 में 10 रुपया दे दीजिए। सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट दीज 10 कॉइन्स अमॉन्ग दीज 4 बेगर्स? मैथमेटिकली देखा तो all the coins are identical, right? सही है कि नहीं? When all the coins are identical, the beggars will fight only for number of coins. They won't fight for which coin they get. सही है कि नहीं? कभी आप देखे हैं beggars को, सर मुझे नया 1 रुपी coin दीजिए? अगर मान लीजिए आप 1 रुपए कॉइन दिया, वो कभी पूछता 1 रुपए कॉइन दीजिए या वो दीजिए? सो दे विल ऑलवेज केयर अबाउट नंबर ऑफ कॉइन्स दे गेट, राइट और रॉन्ग? राइट सर, बिकॉज ऑल द कॉइन्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि सबका वैल्यू तो सेम है ना? यस सर। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव 10 coins with you, identical coins. Beggar same है कि अलग अलग है? अलग अलग, अलग अलग। So boxes are different, coins are identical. So ये वाला केस आ रहे? Balls are identical, yes, sir. Boxes are different. देखिए balls हो सकता है, coins हो सकता है, roties हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ जस्ट फॉर सम आइडेंटिफिकेशन आई हैव पुट बॉल्स एंड बॉक्सेस, ओके? सो अभी आपका क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट दीज 10 कॉइन्स अमॉन्ग दीज 4 बेगर्स? उसको कैसे सॉल्व करिएगा? हाउ विल यू सॉल्व दिस? देखिए आपको मान लीजिए आलसी लग रहे हैं, 10 में 10 कॉइन इसको जाके दे जा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए ये बहुत बुढ़ा आदमी है, उसको लेके आपको लगा कि सब कुछ इसी को दे देता हूँ, तो सब कुछ इसको देके भी जा सकते हैं। दो लोग जवान हैं, दो लोग बुढ़े हैं, आपको ये दोनों को 5-5 लेके जा सकते हैं, या सबको 1-1-1 करके बाकी 7 इसको दे सकते हैं, 2-2-2-4 दे सकते हैं, 4-2-2-2 दे सकते हैं, 4-3-2-1 दे सकते हैं। बहुत तरीका है ना, कैन यू सी दिस? You have a lot of different ways of distributing these coins among these beggars, right or wrong? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So the question is exactly how many ways? Questions on your आपको? Obviously मुझे भी पता है कि बहुत सारा तरीका है, but मेरा question है exactly कितना तरीका है वो निकालना है, okay? तो कैसे करेंगे?
ठीक है, अब मान लीजिए ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सो 4 टू द पावर 10 4 सो 4 टू द पावर 10 4 टू द पावर 10 10 वो सही है, इफ ऑल द कॉइंस आर डिफरेंट. ओ सर, अब कॉइन 4 इनटू 10 हो गया ना, 4 इनटू 10 10 आप अपने मर्जी से कोई भी मल्टीप्लाई किया तो नहीं आएगा बेटा. 4 इनटू 10 क्यों बोलिए, कुछ लॉजिक है. पहला 4 के बाद है, अभी आपका बचपन का खेल हो गया. बचपन में क्या है, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करके किया तो आपका आंसर आ जाएगा. बट दिस इज ए न्यू टॉपिक, हर नंबर जो भी लिखता है उसका लॉजिक होगा बीच में. इफ यू टेल 4 इनटू 10 यू हैव टू टेल व्हाई 4 व्हाई दैट 10. सो 10 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these coins are to be divided into 4 groups, right? These coins are to be divided into how many groups? 4 groups, right? So ये grouping का question जैसे लग रहे हैं. Distribute करने का मतलब क्या है? चार ग्रुप्स बना के एक ग्रुप इसको देना है, इसको इसको इसको, राइट? यस सर. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम डिवीजन इनटू ग्रुप्स देखे हैं, बट डिवीजन इनटू ग्रुप्स क्वेश्चन में पता नहीं आपको कि एक ग्रुप में कितना आपको पता नहीं है एक एक ग्रुप में कितना होना चाहिए, वो पता नहीं चल रहे हैं. बट क्वेश्चन इज सिमिलर टू डिवीजन इनटू ग्रुप्स, द डिफरेंस बीइंग All the objects are identical. वो पहला difference है. दूसरा difference है, एक ही group में कितना objects होना चाहिए वो पता नहीं आपको, क्योंकि बहुत सारा options है, right? Right or wrong? Right sir. So, मैं एक काम करता हूँ जो आपको लगेगा थोड़ा सा अच्छा, बहुत अच्छा creatively काम किया है ये बच्चा ने. ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, दिस इज डन बाय दिस गाय. ठीक है, ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ ये. ठीक है, दिस गाय इज वेरी इंटेलिजेंट. उसने क्या किया देखिए. ओके, मेरे पास 10 कॉइन है, 10 कॉइन को जमीन पे बिछा दिया. हैज पुट ऑल द 10 कॉइन्स ऑन दिस फ्लोर इन ए लाइन. ओके, अब ये सोच रहा है कि ये जो बाबू है सोच रहा है कि ओके इसको मैं चार ग्रुप में बांटना है, राइट? आई हैव टू डिवाइड दिस हाउ मेनी ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स. तो मैं क्या करता हूँ, ये बच्चे ने क्या किया, अपने जेब से 3 कॉइन निकाले हैं, अपने जेब से 3 और कॉइन निकाल के इसमें ऐड कर लिया. कर सकता है क्या? नहीं. ये 3 कॉइन क्यों लिया है वो हम देखेंगे. मैं बोल रहा हूँ दिस गाय हैज टेकन 3 मोर कॉइन्स एंड प्लेस्ड इट इन ए लाइन. अब कितना कॉइन्स है इसके पास, अब कितना कॉइन्स है इसके पास? 13 कॉइन्स है. सो अब ये बोल रहा है कि मैं ये 13 कॉइन में से 3 कॉइन्स निकालूंगा. आई विल टेक 3 कॉइन्स आउट ऑफ दिस 13 कॉइन्स. So, मान लीजिए पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन. मेरे हिसाब से कोई भी 3 कॉइन्स निकाल सकता हूँ. ठीक है, व्हाट दिस गाय इज सेइंग इज मैं 3 कॉइन्स ऐड किया, इसके बाद ये 13 कॉइन्स में से कोई भी 3 कॉइन्स लेके मैं मेरा जेब में डाल देता हूँ. इसका मतलब इफेक्टिवली उसने क्या किया, 3 कॉइन्स बाहर लेके फिर जेब में डाल दिया. इफेक्टिवली हैज नॉट स्पेंट एनीथिंग. बट व्हाट हैपेंड व्हेन ही डज दिस, पहला कॉइन का आगे कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, पहला कॉइन और दूसरा कॉइन के बीच में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन के बीच में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है,
तीसरा कॉइन के बाद कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. सो आर द कॉइन्स डिवाइड टू फोर ग्रुप्स? Have the 10 coins divided into 4 groups or not? Yes, sir. अच्छा लग रहा है, क्रिएटिव काम है ये. उसने क्या किया, चार ग्रुप्स में बांटना है तो उसने तीन कॉइन ऐड किया, इसके बाद आर्बिट्रली तीन कॉइन्स निकाल रहे यहां से. सो यू आर गेटिंग 4 ग्रुप्स. सो फर्स्ट ग्रुप पहला बेगर को जाएगा, सेकंड ग्रुप दूसरा बेगर को जाएगा, तीसरा ग्रुप तीसरा बेगर को जाएगा, फोर्थ ग्रुप फोर्थ बेगर को जाएगा. सो ऑल द 10 कॉइन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. दूसरा तरीका चाहिए तो, अगर कोई और तीन कॉइन सेलेक्ट किया कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और तीन कॉइन सेलेक्ट किया कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. सो करेस्पॉन्डिंग टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव अ सेलेक्शन. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 है, अगर मान लीजिए उसने ये कॉइन सेलेक्ट किया, ओके, ये तीन कॉइन सेलेक्ट करके जेब में डाल दिया, इसका मतलब पहला बेगर को कितना मिल रहा है? बोलिए, पहला बेगर को कितना मिल रहा है? 6 कॉइन मिल रहे हैं. दूसरा बेगर को कितना मिल रहे हैं? 1. तीसरा बेगर को कितना मिल रहे हैं? 0. फोर्थ बेगर को कितना मिल रहे हैं? 3. 3. सो एम्प्टी बॉक्स अलाउड है क्या नहीं, जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ इसमें? अलाउड है. सो एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड, इसलिए ये वाला केस में मैं कर रहा हूँ. अगर कोई भी बेगर को एम्प्टी रखना है तो क्या करना है, दो एडजेसेंट बॉल्स निकाल दिया तो वो बेगर एम्प्टी हो जाएगा. समझ आ रहा कि नहीं? यस सर. अगर ये तीन कॉइन्स निकाल दिया तो इसका मतलब पहला बेगर को 2 मिल रहे हैं, दूसरा तीसरा को कुछ नहीं मिल रहे, फोर्थ बेगर को 8 मिल रहे हैं. इज इट क्लियर? यस सर. So, ab, in how many ways can I distribute? So, number of ways of distributing 10 coins to 4 beggars is same as number of selections of three coins from 13 coins. Okay, can I? Number of ways of distributing 10 coins to 4 beggars is same as number of selections of 3 coins out of 13 coins, right? Yes, sir. हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिलेक्शन आएगा, हर एक सिलेक्शन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, राइट? ये वाला कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है. कितना है? 13C3. सो इसका आंसर 13C3 है तो उसका भी आंसर 13C3 होगा ना. समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर. सो बेगर्स प्रॉब्लम में देखिए, यू हैव एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. बेगर्स प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आर डिफरेंट बॉक्सेस. समझ में आ रहे? डिफरेंट बॉक्सेस. एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आर डिफरेंट बॉक्सेस. Number of ways of distribution is equal to, आप एक general formula बोल सकते हैं बेटा, NCR minus 1. नहीं,
एन ऑब्जेक्ट्स को, देखिए चार बेगर्स है ना, सो कितना कॉइन्स मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, चार ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? R माइनस वन, सो एन प्लस आर माइनस वन, समझ रहे? चार बेगर्स के लिए तीन कॉइन्स ऐड किया ना, सो एन प्लस आर माइनस वन ऐड करके इसमें से कितना सेलेक्ट करना है? R माइनस वन, समझ रहे? So n plus r minus 1, see r minus 1 is the answer. Is it clear? इसमें empty boxes allowed है क्या नहीं इस formula में? Allowed. Allowed. Boxes allowed. Okay. Empty boxes allowed. Is it clear or not? Yes, sir. So formula is simply n plus r minus 1 c r minus 1. Okay, okay. Yes, sir. So beggar's problem mein hi empty boxes नॉट अलाउड है तो इसका भी फॉर्मूला डिराइव करना बहुत इजी है. अगर एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड है तो कैन यू से वेयर द डिफरेंस कम्स? अगर मान लीजिए मुझे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एम्प्टी बॉक्स आर नॉट अलाउड, सो मुझे मैं क्या करूंगा, सिंपली हर एक बाउल में एक एक कॉइन तो डाल देता हूं मैं पहला ही. आई विल पुट वन कॉइन इन ईच बॉक्स इनिशियली. So, मेरे पास कितना कॉइन्स बचेगा? एक चार कॉइन्स चला गया ना, सो मेरे पास कितना कॉइन्स बचेगा? सिक्स कॉइन्स. सो ये सिक्स कॉइन्स को जो मैं अभी किया हूं, दस कॉइन के लिए जो किया वही मैं सिक्स कॉइन्स के लिए करूंगा. इसके बाद मेरा मर्जी है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सबको एक एक तो मिल गया. इसके बाद मेरे मर्जी से कैसे भी बाकी कॉइन्स कैसे भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, राइट? तो सिंपली इस बार 6 प्लस 3 सी 3 होगा आंसर, सही है कि नहीं? यस सर. पिछली बार क्या होगा, 10 प्लस 3 सी 3 हुआ. इस बार आंसर क्या होगा, सिंपली 6 प्लस 3 सी 3 होगा, राइट? सो आंसर यहां क्या करना है, फर्स्ट एन में से आर कॉइन्स तो मैं निकाल के हर एक बेगर को एक एक दे रहा हूं. इसके बाद प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन कर लेता हूं, राइट? इसके बाद तो प्रीवियस फॉर्मूला है. प्रीवियस फॉर्मूला में एन ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहा हूं, अब एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स के लिए करना पड़ेगा मुझे. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो हम लोग इससे पहले केस में तीन कॉइन सिलेक्ट किए थे, तो इस बार जो तीन कॉइन सिलेक्ट करने का वेज है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि कोई भी कंसेक्यूटिव कॉइन सिलेक्ट ना हो. एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा रीसाउंड आ रहे हैं, आराम से बोलिए क्या कर सकते हैं सर. जैसे पिछले बार हम लोग 13C3 वेज में तीन कॉइन सिलेक्ट कर लिए थे, तो इस बार ऐसे करेंगे. कॉइन्स आइडेंटिकल है ना, सो वो सी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. सर तो इस बार ये कर सकते हैं कि जितना पिछले बार कॉइन सिलेक्ट करने का वेज आया था माइनस वो वेज कर देंगे जिसमें कंसेक्यूटिव कॉइन्स नहीं लिया गया हो. देखिए अगर एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड का मतलब है एक भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, दो भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, तीन भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, समझ रहे? वो माइनस करना भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपको, क्योंकि हर बार चार बेगर्स नहीं होगा, कभी कभी दस बेगर हो सकता है ना. यस सर. कभी हर बार टेन कॉइन्स नहीं होगा, मान लीजिए 50 कॉइन्स है, तब एक बेगर एम्प्टी, दो बेगर्स एम्प्टी, तीन बेगर्स एम्प्टी अकेला कर पाइएगा आप? नहीं सर. समझ रहे? अगर दो बेगर्स है, यू हैव टू बेगर्स,
देन जो आप बोल रहे वो कर सकते हैं आप, समझ रहे? समझ गया सर। क्योंकि ज्यादा बेगर्स हो रहे हैं तो वो सारा केसेस निकाल के करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, क्या है? n plus r minus 1 c r minus 1, n minus 1 c r minus 1, ओके? n minus 1 c r minus 1 कब यूज करना है? empty boxes not allowed है तो, n plus r minus 1 c r minus 1 कब यूज करना है? empty boxes allowed है तो, ओके? क्लियर? यस सर। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ? व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ओके? ओके और नॉट? ओके सर। से काम कर लेता हूँ, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एक ही दिन में बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है? यहां तक जो भी हुआ है, ठीक है, ट्राई टू रीड इट अगेन, ठीक है? एक बार आज का लेक्चर जो है जितना जल्दी हो सकता है एक बार रिवाइज कर लीजिए सारा, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो सब कुछ भूल जाएगा, नया चीजें हैं, ठीक है? सो जस्ट आफ्टर द क्लास अपने से देख लीजिए सारा, अपने को समझ में आया या नहीं सारा लॉजिक्स जो है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो डाउट जैसा लिख लीजिए, अगला क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है सर? सर थोड़ा वाला समझा दिए ना सर, जब बोले व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, तो एक एक कॉइन सबके ऊपर सब बेयर को दे दिया। हाँ, सर 6 कॉइंस बचे ना। हाँ, तो इसके बाद तो यही काम करना है ना, 4 ग्रुप बनाने के लिए। 4 ग्रुप बनाने के लिए मेरे हिसाब से 3 ऐड करता हूँ, मेरे से 3 ऐड करके 3 सेलेक्ट करता हूँ ना। ओके सर। जैसे 10 को 3 ऐड करके 3 सेलेक्ट किया, अब 6 को 3 ऐड करके 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके सर, समझ रहे? जैसे यहाँ n plus r minus 1 c r minus 1, यहाँ क्या होगा? n minus r minus 1 r, yes. r तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मेरे पास सिर्फ n minus r बचा है। यस सर। n minus r को सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो समझ में आया बेटा सब कुछ आज के लिए? यस सर। So what I want you to do is immediately after the class is over, एक बार आप revise कर लीजिए सारा, समझ में आ रहा है क्या नहीं? Mostly questions जो आज test में है, mostly they are from general topics जो हम regular class में किए हैं। एक दो questions इस topics में से हो सकते हैं, ठीक है? So एक बार अच्छे से समझ के ये topics, इसके बाद test देने के लिए कोशिश करिए। सो टेस्ट आपका 10:30 से ऑन होगा, ओके? रात, ठीक है, 8 बजे या 9 बजे तक ऑन होगा, सो बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू सर। बेटा टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट सबको। Thank you, sir. Thank you, sir.